हम में से बहुत से लोग अपनी जो नाकामियां होती हैं उस पे पर्दा डालने के लिए या तो दूसरों पे मलबा डालते हैं, मैं जानता हूँ, या फिर क्या करते हैं जी कि हालात को कसूरवार ठहरा देते, हालात ही ऐसे थे। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। सही। टेस्ला के मालिक एलन मस्क, आई एम अ फैन ऑफ मोदी। एलन मस्क आ रहा है इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हलवा पकाओ। What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? एलन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे। वाह मोदी जी वाह। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे भारत की जो एक बार फिर से बुकलाहट का शिकार है। और भारतीय वज़ीरे दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, एलन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है? क्यों? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए इस महीने के आखिर तक भारत आने की योजना बना चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। वाह भाई वाह। टेस्ला नाम छूटते ही शरीर में कपकपी छूट जाती है। Love you too. You're awesome. उसकी गाड़ियाँ देखने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ, कार हो तो सिर्फ यही हो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल रहे हैं। आपको कितनी तरक्की नजर आती है पाकिस्तान में? मुझे तो बड़ी 50 भी नहीं आती। यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में, और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत की बात करते हैं, हर बड़ा बिजनेसमैन वहाँ क्यों जाता है? वहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि वो खुद अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, इस वजह से वो भारत बहुत ऊपर तक जा रहा है। सुनते जाइए। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा, या अगर उनके स्टाफ वहाँ गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है, और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हम खड़े थे। या लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है, तब्दीली आ गई, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास होता है, हमारे जो से मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिबोर्ड हो गया है, हमें बचाओ। पूरी दुनिया में सबसे महंगी कारों के लिए और अपने ब्रांड के लिए टेस्ला नंबर 1 है, और टेस्ला के मालिक है एलन मस्क, और एलन मस्क हमारे मोदी जी के फैन है, और अब वो चाइना को छोड़ के हिंदुस्तान आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी कार बनाना चाहते हैं। और मैंने यहाँ तक की रिपोर्ट सुनी है कि जो हिंदुस्तान में कारें टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी उनके प्राइस अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड कम होंगे, ताकि हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली अच्छे से अफोर्ड कर सके। और मीडिया लीक्स के अनुसार अगर बात मानी जाए तो टेस्ला हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख से शुरू हो जाएगी। मैं नहीं मानता। अगर ये बात सच है तो मिडिल क्लास हिंदुस्तानियों के मजे होने वाले, अब वो 20 लाख में टेस्ला कार के मजे ले पाएंगे। ये तो थी हिंदुस्तानियों की खुशी की बात, अब बात करते हैं थोड़ी टेंशन की, थोड़ी सदमे की। ठीक है, ठीक है जी। हिंदुस्तान की खुशी एक ही मुल्क को बर्दाश्त नहीं होती, वो है पाकिस्तान। ऐसी कोई बात नहीं है, एलन मस्क या टेस्ला जो भी हिंदुस्तान में आ रहे हैं पाकिस्तानियों के पेट में होंगी गुड़गुड़। और पाकिस्तान की कुछ नाजुक कलियों ने दिए मस्त रिएक्शन, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। इंडिया हमसे तरक्की में क्यों इतना आगे निकल गया? क्योंकि वहाँ के लोग ऑनेस्ट हैं, और वहाँ के लोग आप ईमानदार हैं, और वहाँ के लोग आपस में तब लड़ाई झगड़ा नहीं करते और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आपको कितनी तरक्की नजर आती है पाकिस्तान में? मुझे तो पूरी 50 भी नहीं आती। नहीं, ये जिस तरह के हालात जा रहे हैं ये तो सबको ही नजर आ रहा है। क्या जा रहे हैं बताएं? यानी कि एक तो महंगाई वो होता है, लोगों के घर नहीं चल रहे, इनका दर्द कम करना है किसी तरीके से, बहुत बेचारों के दर्द है यार, इनकी पसलियां कड़कड़ कर रही हैं, कुछ हमें पाकिस्तानी आवाम का दर्द कम करना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे सड़कें या पुल बनाने के अलावा और कोई तरक्की है ही नहीं? और कोई तरक्की नहीं है, हर घर के ऊपर सड़क बनेगी। क्या बात कर रहे बाबा, दुनिया की नामो
शख्सियत पाकिस्तान में आना नहीं चाहती है, क्या कहते हो? यहाँ पे जो लोग हैं वो होनेस्टी से काम नहीं करते, यहाँ के लोग आपस में मतलब जैसे होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे लोग ईमानदार हैं वैसे यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। कोई इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो यहाँ पे लोग ईमानदार ही नहीं है, और वहाँ पे लोग ईमानदार हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। यहाँ पे तो जिसको देखो रिश्वत ही ले रहा होता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, रिश्वत लेते हैं यहाँ जी, हर किसी से देखो रिश्वत मांग रहा होता है, जिससे देखो तो वही पैसे पे पीछे लालच कर रहा था, वहाँ पे लोग लालच तो नहीं ना करते, इसलिए वो फिर इंडिया हमसे आगे है। क्या बात है, क्या बात है, पाकिस्तान की नई जनरेशन तो काफी समझदार नजर आ रही है। ऐसे नहीं चलेगा। खुशी की बात ये नहीं कि ये भारत की तारीफ कर रहे हैं, खुशी की बात ये है कि ये सच्चाई के आसपास ही है। जिहाद, जज्बा, आसमानी कौम, बेहतर हुरे, उनमें नहीं फंसी हुई है, ये देख के अच्छा लगा। यहाँ भी बहुत टैलेंट है, पर हमें उन्हें हमें कहना चाहिए कि यहाँ पे आए, यहाँ भी बहुत टैलेंट है। कौन सा टैलेंट है? मतलब हर चीज, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज में टैलेंट। कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग तो नहीं चाहिए ना इलॉन मस्क को, टैलेंट चाहिए, आईटी में टैलेंट चाहिए, एजुकेशन में टैलेंट चाहिए। उसका भी टैलेंट है आईटी का भी, इतने स्टूडेंट्स आईटी में हैं। मैं कब हो गया ये? बेटा तुम्हारी आईटी का मतलब होता है इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसलिए इलॉन मस्क पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। वाह भाई वाह। ऑरेंज लाइन बनाना कोई तरक्की नहीं है, चाइना का प्रोजेक्ट है। बेसिक वजह यह है कि जब पाकिस्तान अपने पैरों पे उसे खड़ा होगा, जब खुद कमा के चीजें बनाएगा। बड़ी नामवर शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहती, क्या वजह है? हमारी कंट्री में नहीं आना चाहती है, भाग भाग के भारत क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों को पता है यहाँ के हालात कैसे हैं, डाउन है, तो वो लोग क्यों आएंगे अपना मुल्क छोड़ के? बात तो सही है, वो लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे मुल्क को कोई अच्छा नहीं समझता, कर्जा हम पे चढ़ा हुआ है सब कुछ, हम लोन हमने लिए हुए हैं। तरक्की करे जी अल्लाह ताला, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, 70 साल से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह कहता है दुआ तो करो, लेकिन इंसान के बच्चे बन के काम भी करो। ये अल्लाह इसको कहने के लिए कब आ गया? पता नहीं। अल्लाह तो 7 आसमान पे है। और सुने, कयामत के दिन मिलेगा तुम्हें। और सुने, जन्नत में मिलेगा, जहाँ पे अल्लाह तुम्हें कोई शराब पिलाएगा। और सुने, तुमको हूरों की सरदार नहीं बनाएगा। और सुने, अल्लाह जमीन पे नहीं आता है, अल्लाह 7 आसमान के ऊपर बैठा हुआ है, जैसा कि आप लोग कहते हो। हलवा खाए और सो जाए। सॉरी टू से, हम इन पर इस पर अमल तो नहीं करते, हम बिला वजह कहीं पर भी, आपको बुरा भी लग सकता है लेकिन ये बात सच है, कहीं पर भी जाके हम फट जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये बस ये हमारी, हम 5 वक्त की सही तरह नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करें, तो अल्लाह ताला उसका सबब बना देगा इंशाल्लाह। साथ साथ कहते हैं मेहनत भी करो। नहीं मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर फिर डंडी मारते हैं, मेहनत मारते हैं। करप्शन तो लाजमी हो गई है। नहीं, हर बंदे ही करप्शन करता है, जिसका दांव चलता है वो करता है। आज पीएम मोदी की हमसे ज्यादा इज्जत है, मुस्लिम कंट्रीज में भी। देखो जी इज्जत है, मगर उसकी ना अल्लाह के पास कोई इज्जत नहीं। जाहिल, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखे ना इतने बेचारे मुसलमानों पे जुल्म किए उसने, रह गए जालिस्तान के एकदम से जाहिल इंसान, कर दी जाहिलों वाली बात। पूरी दुनिया देखती, आज सऊदीया उनको भाई बोलता है, दुबई उनको भाई बोलता है, सिर्फ पाकिस्तान को ये सारी चीजें क्यों नजर आती है जो दुनिया में किसी को भी नहीं नजर आती? देखिए जी दुनिया को भी नजर, सब हर जगह हर बंदे को पता है, कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि इस मुल्क को ना लोगों ने, जागीरदारों ने झगड़ा हुआ है। मुल्क को? ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान झगड़ा हुआ है। और कैद में है हम, कैद में है ना ये तो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कायदे ने हमें ये मुल्क दे के चले गए, मगर इसको संभालने वाले अभी जो नहीं संभाल पा रहे ना, फिर धिक्कार है हम पर। कुछ नहीं हो सकता इन पाकिस्तानियों का, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कायदे आजम मुल्क बना के चले गए, यहाँ पे जागीरदार चोर है, हमारे पॉलिटिशियन चोर है। अबे तुम सबसे बड़े चोर हो, अपने आप को तो देखो, तुम गरीब बच्चों के केले चुरा लेते हो रमजान के अंदर, तुमसे बड़ा चोर है कौन? सबसे बेगैरत कौम अगर इस संसार में कोई है तो वो है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी। क्या बात है। और भाई लोग कुछ दिन से पाकिस्तानी एक बार फिर से एक्टिवेट हो गए हैं और धमाधम गालियों की बरसात करने लगे हैं, तो मैं उन पाकिस्तानियों से एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि भैया गाली शुद्ध भाषा में दिया करो। ये है एच आई किधर जा रहा है, क्या लिखते हो भाई? पढ़ने में मेरे को जो 1 मिनट में पढ़ सकते हो उसको 6-6 मिनट लगाने पड़ते हैं, इसके लिए आधे ज्यादा कमेंट तो मैं दोबारा इग्नोर कर देता हूँ। गूगल ट्रांसलेट करके लिख दिया करो भाई, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे, ताकि मैं तुम्हारी गालियों को एंजॉय कर सकूं। सुनते जाइए। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही गए। इन पाकिस्तानियों को फैलते हुए जाना, और हाँ भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।